हैट्रिक के मैंने सारे चीजें खाई हैं एंड सब एक से बढ़कर एक है. कुकीज है उनके, ये चॉकलेट बर्फी तो ओ माय गॉड. एंड अभी मैं ये रसगुल्ला ट्राई कर रही हूँ. यू विल ट्राई हाफ? यस. ओके ओके, टेक हाफ एंड सी. वाओ, इट लुक्स यमी. बहुत ही बढ़िया. मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग शूटिंग के लिए आए हैं. हम लोग पश्मीना सीरियल आ रहा है हमारा सोनी सब पे, तो मैं 34 इयर्स के बाद कश्मीर आई हूँ और इतना एंजॉय कर रहे हैं. इतनी खूबसूरत जगह है. मैं तो कहती हूँ जिसने भी शूटिंग करनी है तो कश्मीर आए, लेकिन हैट्रिक में ज़रूर खाएं, क्योंकि हम जब भी टाइम मिलता है हैट्रिक के दूसरे आउटलेट में घुस के इनका सारे चीजें ट्राई किए. कुकीज एंड एवरीथिंग, इट्स यम्मी यम्मी. खासियत ये है कि अलग अलग वेराइटीज़ है, प्योरिटी है, और बहुत सारी वेराइटीज़ में आप बहुत सारे केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ एक ही जगह पे, एक ही शॉप पे पा सकते हैं. तो आप प्लीज़ यहीं पे आइए. ब्रेड टेस्ट बहुत अच्छा, फ्रेश, यस, फ्रेश, एकदम फ्रेश टेस्ट है. हम लोग ने दुनिया भर में खाए हैं, यू नो, सारी बड़ी बड़ी बेकरीज, इंडिया क्या, अब्रॉड क्या, बट यहाँ मैंने देखा है जो कुकीज और इनके सारी चीजों में एक फ्रेशनेस है ना, इट्स अमेजिंग. सो अभी हम यहाँ काफी लॉन्ग शेड्यूल पे आए हुए हैं, सो दिस इज लाइक अ लाइफ सेवर. हम लोग आते हैं इधर अपना शॉपिंग करते एंड वी एंजॉय. लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्टिंग है, और यहाँ सब कुछ नॉर्मल है. तो मुझे इतनी खुशी हुई है, बिकॉज हम सारी शूटिंग पहले यहाँ करते थे, अब जाके यू नो स्विट्जरलैंड इधर उधर, लेकिन जो कश्मीर की बात है वो कश्मीर में ही है. और हम सभी को रिक्वेस्ट भी करेंगे, और हम वापस जाने वाले हैं, और बॉलीवुड में काफ़ी फिल्म सीरियल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है. सो हम सभी को कहेंगे कि आप जो वहाँ शूट कर रहे थे, आप कश्मीर में आइए, कश्मीर की वादियों को एंजॉय कीजिए, कश्मीर में आके हैट्रिक से बहुत सारी चीज़ें खाएं और सुंदर सुंदर वादियों में शूट करें, और यहाँ पर आके आप खुद देखिए कि यहाँ के लोग, कश्मीरी लोग बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत आपका वेलकम करते हैं और बहुत वार्मली वेलकम करते हैं. सो आई थिंक आप सभी को आना चाहिए यहाँ पे शूट करने. देखिए, मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर और मैंने पहली बार इनकी स्वीट्स ट्राई की है, और सबसे पहली बार मुझे तो गुड्डी जी ने जो ये चॉकलेट बर्फी है वो अपने रूम में ट्राई कराई थी एंड आई ट्रूली लव्ड इट, क्योंकि ये मुंह में जाके ही एकदम मेल्ट हो जाती है. और तो जैसे कि इन्होंने कहा, और ये जो अभी मैंने रसगुल्ला ट्राई किया वो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ्रेश लगा, और मैं तो एक्चुअली मुझे स्वीट टूथ है और मैं बहुत खाने की शौकीन हूँ, तो मैंने जितनी भी मिठाइयाँ यहाँ पर ट्राई की है सब बहुत अच्छी लगी, फ्रेश लगी और नॉट टू स्वीट लगी. तो मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग भी इसे खा सकते हैं और बिल्कुल 100% ट्रस्ट के साथ खा सकते हैं. और स्पेशली मैं पहली बार कश्मीर आई हूँ और हम लोग यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं शूट करने आए हैं, और ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. मतलब इतना सेफ मुझे पहले कभी नहीं लगा. मैंने ये देखा कि कश्मीर के जो लोग हैं ना, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इनमें बहुत है, मेहमान नवाजी, यू नो, कुछ लेना ना देना, आप किसी को भी. जैसे मैं जब कश्मीर आई, लैंड किया, मुझे नहीं पता था यहाँ पे प्रीपेड नहीं चलता है फ़ोन, ठीक है, तो मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था तो मैं एकदम घबरा गई. बट वहाँ पर जो फिर जो कश्मीरी लोग जो होते हैं ना, जो टूरिस्ट के लिए, उन्होंने मुझे बोला आप घबराओ नहीं, हम आपको फ़ोन लगा के देखें कहाँ लगाना है. तो मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने पूरा फ़ोन लगाया, कोऑर्डिनेट किया एंड मुझे सेफली मैं अपने होटल पहुँची. मैं घबरा गई कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ. सो आई टेल यू, वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल, बहुत प्यारे लोग हैं. बस अभी हम वापस जाएंगे तो फिर हम मिस करेंगे हैट्रिक का खाना. बहुत बढ़िया है. डेफिनेटली आप लोग बॉम्बे में खोलिए, और आई एम श्योर आप लोगों को मुंबई में भी इतना ही फैंटास्टिक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मुंबईकर्स को भी स्वीट टूथ है, और यू नो आई एम श्योर वो लोग ये टेस्ट जरूर एंजॉय करेंगे. और ऑफकोर्स कश्मीर जस्ट फील्स लाइक होम, यू नो, मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत वार्म वेलकम किया है हम सबको एंड वी आर वेरी हैप्पी कमिंग हियर. एंड आई एम श्योर मैं सब सारे फिल्म मेकर्स को, सभी लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ. आप लोग
लोग आओ, आप लोगों को अब्रॉड जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल जन्नत ही है, और यहाँ पर आके एंजॉय कीजिए, आप शूट कीजिए, और आई एम श्योर आप लोग जैसे वॉर्म लोग जो हैं उनका उतना ही वॉर्म वेलकम भी करेंगे, और इतनी ही अच्छी तरह से जैसे हम लोगों को रखा है उनको भी रखेंगे, तो आई एम श्योर सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पर आने की और ये कश्मीर की जो ब्यूटी है वो एक्सपीरियंस करने की। द बेकरी टू इज वेरी नाइस, इट हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कपकेक्स, पेस्ट्रीज, and you'll find all sorts of breads here, so it's a great place to go to and enjoy with your family as well as carry it home. Hygiene is one of the major factors, that's why I think Hattrick has found its place here. Since 2005 till today, 2023, hygiene plays a very important role in it, because it appears clean, the food appears clean, it is clean, the kitchen is very well kept, I've seen it personally, and the food tastes awesome, so you know, people will find reasons to go to Hattrick. Their prices are very reasonable, extremely reasonable, keeping in mind the new places that have opened up, they are pretty exorbitant, and you can have a relatively good meal within 1200 rupees with two dishes and rice and naan and cold drinks. So what else do you want? A message would be to come enjoy the food and make yourself happy and have a ball and enjoy all the brunches. You don't have to travel far to reach a Hattrick. It's pretty much in every locality, and sometimes it is also in two localities in an area. So I think you're well taken care of. Hattrick, as far as I know, not only employs 350 boys and girls, but it also has a school called the International Delhi Public School, and it's an amazing property. It's over acres and acres of land, and it gives very good education to young boys and girls at very good prices. The fees is very low, and the teachers are of excellent quality. I've met most of them myself last year. So I think they're doing a great job as people, and they're contributing to society in a very, very big way.